अच्छा तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफर में मेड इन पाकिस्तान, बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को इंटरनेशनली प्रमोट करना है और इसी सिलसिले में हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट पर्सनैलिटी से अपने स्टार्स से हम आप लोगों को मिलवाते रहते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरीज हम आपसे शेयर करते रहते हैं। आज मेरी खुशकिस्मती है हमेशा की तरह एक बहुत बड़े पाकिस्तान के स्टार ऐसा मौजूद है जो कि आईटी फील्ड के, मैं उसको फाउंडर गुरु ऑफ आईटी मैं उनको कहूँगा और मैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए उनका तारीफ कराऊँगा। आप मेरे इस बात से समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली मिस्टर सलीम गोरी साहब की, जो मेरे साथ मौजूद है। जी हाँ, मैं इस पर नेट सॉल्व में हूँ और आज ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे उनके माजी के लाहौर में, जिस तरह के वो लाहौर की गलियों में और बहावरपुर से चल के आने के बाद लाहौर की गलियों में जिस तरह से वो खेलते हुए यहाँ तक पहुँचे, इस मुकाम तक। ये नॉट इजी जॉब, ये एक ईजी काम नहीं था और पाकिस्तान के जैसे एटमॉस्फेयर में रह के तरक्की करना, दुनिया जानना चाहती है नेट सोल की तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी सिलसिले में असलीम गोरी साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, वेलकम टू माय शो, गुड टू बी। गोरी साहब, जैसे कि तारुफ मैंने आपका करवाया है, गुरु ऑफ आईटी कहा जा सकता है आपको, लोग पाकिस्तान के बिल गेट्स भी कहते हैं आपको और इसमें मैं समझता हूँ कि सदाकत भी है। थोड़ा सा लोग जानना चाहेंगे, थोड़ा सा माजी के दरीचों में हम चलते हैं, बहुत दफ़ा आप शेयर भी कर चुके हुए हैं, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट होता है? ये कोई आसान सफ़र नहीं था कि आज नेट सोल में माशाल्लाह 1700 या इससे ज़्यादा लोग मुलाजिम हैं और इंटरनेशनली, यानी कि हमारी कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसा वजूद है जिसको हम फ़ख्र के साथ बाहर की दुनिया में जाकर फील करते हैं प्राउडली। तो आप थोड़ा सा इस सफ़र का बताइएगा, स्ट्रगल पीरियड का। शायद एक तो मुझे आपका जो इसका उनवान है बहुत अच्छा लगा कि ख्वाब, ख्वाबों से ताबीर तक, एन की हकीकत में भी ख्वाब है और ये ख्वाब अभी से नहीं था, यानी नेट सोल से नहीं था, बहुत पहले से ख्वाब चलते हैं और हम में से कुछ लोग ख्वाब देखते हैं और फिर ख्वाब ही देखते रह जाते हैं, फिर कुछ लोग उन ख्वाबों के पीछे पड़ जाते हैं। तो मेरी भी कहानी कुछ ऐसी है कि ख्वाब देखा फिर उसके पीछे पड़ गया। कहाँ से शुरू है? भावलपुर। मेरी पैदाइश भावलपुर की है। अब देख रहे हैं, ये मेरा फैसला नहीं था कि भावलपुर से मैं लाहौर आ जाऊँ, ये मेरे फादर का फैसला। So I think then we give him the credit. सारा क्रेडिट उनको जाता है कि उनकी विजडम के भावपूर्ण में उनके बच्चे पैदा हुए, लेकिन उन्होंने फैसला किया नहीं, मैं अपने बच्चों को जिंदगी डिफरेंट दूंगा, इन्हें मौका दूंगा, ऐसे मौका दूंगा तो मौका शायद भावपूर्ण में ना मिले ना मिले। तो 58 में उन्होंने अपनी फैमिली भावपूर्ण से उठाई, छः बच्चे थे उनकी माँ बहन भाई को लेकर लाहौर आ गया और उनकी जेब खाली थी बिकॉज वो उनके फादर की डेथ दी हुई, तो पूरा बोझ फैमिली का उन पर पड़ गया। तो उन्हें कमाना था, बातों में वो कमाते रहे डिफरेंट तरीके से और फिर वो जो कुछ होगा थोड़ा सा लेके वो लाहौर आ गया। अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि उतनी जरूरत कैसे आ गई, बहुत बड़ा भावपुर उस वक्त का और लाहौर उस वक्त का दोनों डिफरेंट थे बिल्कुल।
थे करिश तो वहाँ से आ गई, यानी हम भाइयों में बाप ने करिश डाल दी वो करने की जो जनरली जिसमें लगे कि यार मुश्किल काम, क्योंकि हम अपने फादर की स्टोरी देखते रहे as we grew up we saw him struggling working hard never giving up mere apne unke bhi dreams the and wo un dreams ko leke nikle bahut lahor shahar aaye aur humne unhe dekha jab jaise hum bade the gaye wo karobar karte the aur karobar karte the sanki lekin unhe hame pata nahi chala diya ki unke kya masle hain हमें प्रोटेक्ट करके रखा। ओके अच्छा साथ में सबको पढ़ा बाहर गया, हर बच्चा बाहर चला गया। अब उन्होंने कैसे किया मुझे समझ गया, हॉलीडे कि बच्चों को सबको बाहर ख्वाब था, उनके ख्वाब की ताबीर हमें बनना। देखो ये है कि आप अगर आप ये पूछते हैं कि मैं कहाँ से आया तो मैं भारत से आया हूँ और मुझे भारत में जन्म लिया बहुत। और एक पुराना शहर है, एक कदीम शहर है, उसकी भी हिस्ट्री पंजाब के सारे शहर बड़े, लेकिन मैं आई थिंक राइट क्या वो है, मुझे अच्छा लगता लोगों का माहौल। तो जनाब ये तो हो गया कि वालिद साहब ने क्या किया, और फिर हमारी तालीम के सिलसिले चले। मैं तालीम में कुछ इतना सीरियस नहीं था, बेचैनी बहुत ज़्यादा थी मेरे लिए, तो बड़ा मुश्किल था मुझे बैठ के पढ़ना, क्योंकि शायद वही चीज़ मुझे आगे लेके आ गई। यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी भी बाहर गया, वहाँ पर फिर मुझे किस्मत थी, लक था, या मैंने लिखा था मेरे पेपर कि जो मेरी फील्ड थी वो तो पेट्रोल इंजीनियरिंग की थी, इंजीनियरिंग की, बट व्हाइल आई वाज डूइंग इट आई जस्ट गॉट इन लव विद पीपल्स। हमारे कोर्सेज थे मेरे को 1970s की बात है, जब मशीनें बहुत बड़ी होती थी और बड़ी बेसिक होती थी और उनके फंक्शन की वजह से, लेकिन नेवरदेस जब मैं बैठा मशीन पर तो मुझे लगा इससे पावरफुल कुछ नहीं होती। तो वहाँ से बस चेंज किया अपना फोकस, डिसाइड किया कि अब मैं जो भी करूँगा उससे करूंगा, आई विल बिकम अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, आई विल बिकम प्रोग्रामर। ये मैंने खुद मेरी आईटी की डिग्री नहीं है, आई नो मेरी कंप्यूटर साइंस भी नहीं है। बैंक में खैर मैं बैंक में भी मैं आईटी में गया, लेकिन मेरा बैकग्राउंड नहीं था आईटी। मैंने उन्हें कन्विंस किया कि मुझे आईटी में ले जाए, मेरा शौक देखा उन्होंने। तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि विदाउट हैविंग आईटी डिग्री आईटी I just went after IT, यानि मैंने इसको अपना बना लिया और मैंने इसका एक्सपर्ट बन गया। और मेरे शुरू के दिन सेल्फ लर्निंग थे बहुत ज़्यादा, मशीन मैंने कभी आए थे 79। अगर आप हिस्ट्री देखें छोटे पीसी के दिन की, ये 77-78 से सबसे पहले एप्पल छोटा करते, उससे पहले ऑसबोर्न कोमोडोर बड़े पीसी बाद में आए। मेरा इंट्रोडक्शन मैंने एप्पल से करा लिया, मैंने 200 से पैसे जमा करके पहला कंप्यूटर अपना एप्पल 2E खरीदा। दिस इज 1979। नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, नॉट बीइंग अ प्रोग्रामर, आई स्टिल इन्वेस्टेड मनी टू बाय अ कंप्यूटर। मैं खेलने के लिए या आलू के लिए तो उस एप्पल 2E से बैठ के खेलने लगा। पहला पीसी जनाब आया 1980, आप हिस्ट्री निकालें, पहला पीसी जब आया वो 1980 में आया, वो 64K की बन रही थी, 45K। मैंने अपना करियर अपना वहाँ से बैठ किया और मेरा उस सब भी देखा कि आई विल बी समथिंग इन कंप्यूटर। आई फॉलोड इट। इसमें बड़े वाकयात आए शायद, इसमें बहुत ओवीसी के मैं कंप्यूटर ग्रेजुएट एट अ बैकग्राउंड, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, बहुत बहुत नाकामी कहिए, फेलियर कहिए, कुछ भी कहिए आप,
जिद सी हो गई कि पीछे नहीं हटते, कीप उसी ख्वाबों की तबीयत की तरफ आप जो आपके फादर भी सोचा थे जी, बिकॉज यू नो ही सॉ हिम कि विदाउट लैक ऑफ एनी रिसोर्सेज ही वाज एबल टू बिल्ड एंड गिव अस अ लाइफ, तो अगर वो कर सकते तो फिर हम कैसे कर सकते। मारा ये करते करते शायद मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, ये 1987 की बात है, उस वक्त तक मेरे पीछे कोई 6-7 साल का आईटी का बैकग्राउंड था। ऑस्ट्रेलिया ने मुझे अच्छा मौका दिया, मेरी एक्सपर्टीज ग्रूम किया ज़्यादा, मेरी एक्सपर्टीज सोचती थी, तो मैं एज ए कंसल्टेंट कामयाब हो गया। तो फैमिली है आप जो अर्निंग वेल, अच्छी आप इनकम है, नाइस हाउस, बहुत खूबसूरत मुल्क, तो मुझे खुश होना चाहिए, नहीं खुश हुआ। अंदर में वो आग लगी थी, वो जज्बा था कुछ करने को, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। वो देखे ना, 4-5 साल गुजरे, बहुत स्टेबल है, स्टिल मैं खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं हूँ? सवाल किया, जवाब भी दिया, सवाल था खुश क्यों नहीं, जवाब था कि यार कि मैं ठीक है, ये तो है, पर ये तो सब मेरे लिए, तो मुझे फायदा होता है, तो इससे किसी और को क्या फायदा, जो करता हूँ कमाता हूँ। फिर मैंने क्या क्या किया, मतलब क्या मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, एक ये सवाल था। एक सवाल फिर और उठ गया कि जहाँ मैं कंसल्ट कर रहा था वहाँ एक दिन लोग आ गए जो हमारे नेबर से आए थे, वो अपना सॉफ्टवेयर लेके आ गए। अब मैं बड़ा फिक्र किया, ये पाकिस्तान से क्यों नहीं किया, मेरी कंपनी बहुत बड़ी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री थी, और उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव उस पर बनाए, लोग सॉफ्टवेयर ले आया और 40-50 लोग आ गए और बैठ गए, क्योंकि मैं आईटी में था तो मेरी वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी कि मैंने देखा कि 40-50 लोग आ गए हैं और सॉफ्टवेयर आए हैं और वो आके इस कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं, मेरा तो बड़ा वो डिसीजन कि यार ठीक है वो लोग, लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा नहीं, पाकिस्तान से ऐसा कोई नहीं कंपनी जो आके इस तरह सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाए और उसके लोग आए। ये बात है 93। आई थिंक ये टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का ना, तो यकीन कीजिए ये नोबडी वुड अंडरस्टैंड कि मेरा दिमाग में उससे क्या चल रहा था। एक ये कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या मैं कुछ कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ जिंदगी गुजार रहा हूँ, यानी मैं बस खाऊंगा पीऊंगा और गुजर जाऊंगा, वक्त गुजर जाएगा, नोबडी विल नो मी, नोबडी विल सी कि मैंने कुछ किया। सेकेंड ये वाक्य हो गया 93 में, 2 साल तक मैं स्ट्रगल करता रहा अपने आप से कि यार कि पाकिस्तान में कोई, फिर ख्वाहिश हुआ जिसकी बात आप कर कि कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तान से भी कोई ऐसी इनोवेशन आए, इंटरप्राइज आए जो ग्लोबली हो और वो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज कराए एज आईटी कंट्री, दैट इज व्हाट हैपेंड। 2 साल तक मैंने बहुत अपने आप स्ट्रगल किया, मुश्किल था बच्चों को उठा के लाना, पाकिस्तान से निकले में मुझे 22 साल हो चुके थे, ना मेरा कोई सोशल नेटवर्क था, स्टिल उठाया बच्चों को 95 में, अक्टूबर 95 में लाहौर आ गया, एंड लाहौर आ गया तो भाई थे मेरे बड़े, उनसे उससे पहले उनसे बात हो रही थी हर साल, मैं उनसे कहता यार भाई बड़ा दिल करता पाकिस्तान में, कहा आ जाओ, यार पैसे नहीं देता, पैसे भी नहीं करता, लेक्चर में नहीं खा लिया, तुम आओगे तो मैं तुम्हारा मिस्टर बन जाऊंगा। तो शक्ल निकली ख्वाब की, कैसा है या हो सकता है, तो सर फिर 95 में डिसाइड किया कि मैं एटलीस्ट ट्राई जरूर करूँगा, आई गिव इट अ ट्राई, मैं पाकिस्तान आऊँगा और मैं फिर कोशिश। ये पाकिस्तान का प्यार था ना जो आपको लिया है, लगता 100% वाज पेन फॉर पाकिस्तान, लाहौर से दूर है, लाहौर ही लाहौर से दूर रहने से नहीं रहते, लेकिन पॉसिबल ही नहीं, लोगों को समझ नहीं आती बात, इस शहर में कुछ ऐसा है इस मिट्टी में कि लोग भी समझते कि क्यों हमें तो पागल लाहौर क्यों होंगे, लाहौर भैया नो डाउट भी बाकी शहर भी शहर है,
शॉर्ट जनाब मैं उठाया भाई से बात की, उन्होंने भी किया एक बताऊंगा आपको बात। जब आपका इरादा सही हो या नेक हो या तो नेचर आपके साथ मिल जाती है, नेचर भी आपके साथ हेल्प करना स्टार्ट करो। अभी लोगों को नहीं समझ आएगी बात, मैं बच्चों से कहता हूँ कि जब मैं यंग था तो मेरा एक एम था कि मैं पैसे स्किल गया माशाल्लाह कि मैं पैसे कमाऊँ, तो मेरी नीयत होती थी पैसे कमाने की, यानी जो भी करता था वो पैसों का इंटेंट होता था कि पैसे कमाने। आई वांट टू बी रिच, पैसा नहीं हुआ। अच्छा फिर होता क्या, जब तक मेरी नीयत ये रही कमाने पैसे, पैसे नहीं कमाए गवाए। लेकिन जब मैंने वो एक निकल गया मेरे जहन से और मैं आ गया एक ऐसी लाइफ के उस फेज में कि जहाँ पैसे सेट पे हो गया, ठीक है पैसा है लेकिन कुछ करना है, तो सडनली देयर वाज चेंज मेरे उस सोच, उस पे चेंज आ गई, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ जी करना है। तो आपका देखिए ना, आपकी इंटेंशन चेंज हो गया, आपका यानी जो कर रहे हैं वो आप इरादा डिफरेंट हो गया। और ये बच्चों को समझाता हूँ, जब मैंने पैसे को छोड़ा, पैसा मेरे पीछे रहने नहीं आना चाहिए, वो अपसेट हो गया यार ये तो मुझे लिफ्ट नहीं दे रहा, ये क्या हो गया। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस टू पीपल, जो लोग अपना इरादा सही रखे कर जाते हैं। यही नर्सों की स्टोरी है कि जीत एक यही था पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान को ग्लोबली इंट्रोड्यूस करना, आपके पाकिस्तान का आई टी का फ्लैग हर जगह पर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात जनाब हो गया। एंड ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं, एक और सिटिंग आपसे करेंगे लंबी जिसमें आप शेयर करेंगे ऐसे वाक्य कि आप भी कहेंगे यार ये मेरी कला है, ये नॉर्मल नहीं, ये दैट्स ऑल इट्स नॉट नॉर्मल एंटिटी, नॉट एंटरप्राइज, समथिंग बिहाइंड कुछ है, कुछ है सब मुश्किल एक्सप्लेन करेंगे। नहीं मैं ये लोगों को जिस टाइम में पाकिस्तान में वो किया और नेट सोर्स की बुनियाद रखी आपने, तब तो यहाँ पर आईटी का कुछ सबर भी नहीं था, लोगों को पता नहीं था, वो बायल सोलर भी ये आई थिंक 2005 में इस तरह से, तो तब आपको ज़्यादा लोगों को कन्वेंस नहीं करना पड़ता था, समझाना नहीं पड़ता था ये क्या है, क्या आप फोकस थे कि एक टाइम आएगा कि एक टेक्नोलॉजी आ रही है दुनिया में। देखिए मैं तो आयस नहीं था कि आएगी, लेकिन मजे की बात थी कि मैं आया, तो जो भी मुझे नेटवर्क मिल सका अपने बारे के थ्रू उनसे मैंने चल जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे मैं वहाँ जाता था, बड़ा मज़ा आता था, बड़ा मैं तैयार होकर जाता था, पर वो बड़े रिस्पेक्टली मुझे नीचे भी थे बिठाते थे, अब चाय भी देते थे, बिस्किट भी था। अब उन्हें आई टी बनाते थे जी, ऑटोमेशन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी और एफिशिएंसी आ जाएगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आपका आपका लॉसेस आपके कम हो जाएंगे। एंड वो हर बात यस जो लोग बिजनेस कर रहे थे वो अपना बिजनेस सही कर रहे थे, कहां से आ गया यार हमें बताने के लिए प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बड़ा प्रॉफिट है मेरे पास। सो यस पाकिस्तान वॉज नॉट रेडी एंड लकीली फॉर मी बहुत जल्दी मैंने राइज करके फिर ओवरसीज पे फोकस कर लिया। अच्छा ठीक, एंड उस वक्त से फिर टोटल आ गया कि किसी तरह बाहर से आप काम सोर्स करें पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को बेस कर लिया आपने और बाहर से आप स्टार्ट कर दिया अपने ऑपरेशन को। वो फिर सही था एंड देट वॉज द राइट डिसीजन एट दैट टाइम, एंड पूरा फोकस फिर हमने उस पर कर लिया और पाकिस्तान को थोड़ा सा बैक पे कर दिया, क्योंकि काम यहाँ से था, सारा डेवलपमेंट यहाँ थी, सारे लेबर फोर्स यहाँ थी, सारे रिसर्च हमारी यहाँ थी, हर चीज़ यही थी, लेकिन जो हमारा कस्टमर था वो बैक था, तो वो एक अच्छा डिसीजन था। और देखे दो फर्क, तो ख्वाब तो यही था ना कि दुनिया को इंट्रोड्यूस करना, तो अगर हम पाकिस्तान में बेचते तो पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस बाहर ना होता, तो वो बिल्कुल सही रहा जो ख्वाब फेंक के लाया था, वो ख्वाब थे
मैं बताऊँ आपको शायद जब ख्वाब दे के आ गया कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे नेबर के लोग आगे काम कर रहे हैं, 8-9 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, ऑस्ट्रेलिया में था वापस, ऑफिस खुल गया था, कस्टमर माशाला बन गया, हमारा सॉफ्टवेयर चल जा रहा है, तो एक कस्टमर के उसके हमारी इंटरप्रिटेशन हुई थी, सॉफ्टवेयर डिलीवर करते, तो हमारे बच्चे वहाँ थे, 10-12 बच्चे वहाँ थे, तो मैं गया विजिट करने अपनी कस्टमर को, जब मैं जाता हूँ विजिट करता हूँ कस्टमर को तो अपने बच्चों से फिर एक खाना बना कर देता हूँ ताकि उनसे तो अपने मुख से दूर होते हैं, घर से निकले होते हैं, मुझे अच्छा लगता है बैठ कर बातें करें कुछ, तो उनको मैं लंच करें, लंच कर रहे हैं लंच करें, है ना, ये हैप्पी मेरा प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा जा रहा है, इट इज़ डूइंग वेल, तो फर्स्ट होते एकदम सडनली मैं कॉल करता हूँ, वेरी क्वाइट, बहुत अच्छा करता है, इन सब मुझे एसजी कहते हैं, वो ख्वाब था जो पूरा हो गया मेरा कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर बेचे और उसके लोग मेरा ख्वाब किया था, मैं ऑस्ट्रेलिया से गया था और देखो आज हम एग्जैक्टली वो कर रहे हैं जो ख्वाब देखेंगे पाकिस्तान। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुनील गोरी साहब और आप उनके ख्वाबों की तस्वीर सुन रहे होंगे, उनकी स्ट्रगल भी आपके सामने है, तो इस वक्त हम एक स्मार्ट सा देख लेते हैं, जैसे आप टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी, दो तरीके से एक है आप शिकायत करते रहे और एक है कि आप लपके और वक्त इश्यूज का नहीं है, वक्त तो अपॉर्चुनिटी का और अपॉर्चुनिटी है, तो आई बिलीव दैट दिस इज टाइम पाकिस्तान टू बिलीव होगी। इन सब बातें तो बहुत सारी हैं, मेरा ख्याल एक निश्चित में आप पर्सनैलिटी के साथ वो कंप्लीट नहीं हो सकती हमारी निश्चित, तो मैं चाहूँगा एक टाइम और लूँगा आपसे बहुत जल्दी, तो हम मजीद उस पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आप ख्वाबों से सफलता के सफर में मेरे साथ थे, उम्मीद है कि पाकिस्तान जो भी तरक्की करेगा और आपकी फील्ड में ना सिर्फ सब फील्ड में इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे इसके लिए शॉर्ट फिल्म। हाँ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ श्री गौरी साहब के साथ। सलीम साहब, आगे क्या प्लान है, क्योंकि ये जिंदगी रुकने वाली नहीं है, पाप तो चलते रहने का नाम है, जब तक जिंदगी है तो फिर सांस है आगे बहुत करें। दो तीन चीज़ें, एक तो जब आप एक ऐसे लेवल पर आते हैं जहाँ पर आप एक हद तक अपने गोल अचीव करें, जिससे मेरा गोल था कि पाकिस्तान आईटी ग्रुप भी इंक्रीज हो जाए, दूसरा था कि पाकिस्तान आईटी रिस्पेक्ट हो, मैं बताऊँगा आपको इस वक्त शायद हमें 90% मार्केट हमें कैप्चर कर लिए अपनी फील्ड में जो हमारी एक्सपीरियंस एंड मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट नेम इन द मिलते हैं मल्टी नेशनल फाइनेंसी तो पूरा पोर्टफोलियो हमसे हमारे साथ में इट्स अ ह्यूज पूरा पाकिस्तान चैनल से इंक्लूड करता है और हम रेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं वेरी हाई, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत हाई वेरी हाई, हमारा सिस्टम आपकी पोर्टफोलियो को फ्यू बिलियन डॉलर का पोर्टफोलियो जो ब्रेक करें सिस्टम की वैल्यू बहुत हाई माशाल्लाह, वी हैव रीच द प्लान नेक्स्ट प्लान भी है लॉन्ग वो फिगर एंड टेक्नोलॉजी चेंज द वे वी यूज टू डील विद द कस्टमर वो चेंज हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम सर्विस मॉडल में करेंगे, यानी अपना सिस्टम है सर्विस के बजाय उनको मैसेज देते हैं पहले हम बड़े चीजा चीजा कस्टमर के करते हैं, वेरी हाई है तो 3-4 कस्टमर ज़्यादा हम नहीं करते हैं, विद यू प्लान हम एक उतने दो चीज़ें हैं, एक तो सोसाइटी में देखते हैं कि हमारा व्यू है वो बहुत कुछ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कुछ लॉ दैट वी हैव डन व्हाट कैन वी डू चेंज द लाइफ ऑफ पीपल इन पब्लिक एंड अक्सर अब यह है कि लेफ्ट वोल का इम्पैक्ट क्या है, जब हम ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं तो हाउ इफेक्टिव
जो हमने 25 साल में चीज किया इन शाह अगले 5 साल में उससे कहीं बुरा सब कुछ है। पहले 25 साल में तो हमें बनाने में लगे सॉफ्टवेयर बनाने लोग बिल्ड करने कस्टमर बनाने तीन चीजें टाइम अब एग्जीक्यूशन अब जबकि है ये सब कुछ हमारे पास रेफरेंस भी है हमारे पास सिस्टम भी है लोग भी है देयर इज नो रीजन कि आप कई गुना मल्टीपुल पे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका टाइम काफी कीमती है सर डिजिटल पाकिस्तान बन रहा है नया पाकिस्तान दिखाई है तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं कुछ आप कर रहे हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ बच्चों को नहीं करना उसकी वजह क्योंकि लक्ष्य बड़ा है वो फिर किसी और को आने और अलहमदुल्ला नौकरी कहेंगे फिर आप वैसे भी ग्लोबली हम ज्यादा बेहतर पाकिस्तानी सर्विस करते हैं बहुत अच्छे बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं मैं प्राउड ऑफ पाकिस्तानी यूथ बहुत कैपेबल तो कोई जरूरत नहीं कि लेट्स ऑल बड़ी कंपनी जाके टेक ओवर करने और सारा ज्यादा गवर्नमेंट के साथ जबकि कई सौ छोटी कंपनी आई थिंक मैं चाहूँ तो उन्हीं को हम मैं उन्हें गाइड कर दूँ असिस्ट करूँ और उन्हें बहुत तो मेरा ना कि हम जैसे तीन चार बड़ी कंपनी है हमें अपना फोकस बाहर ही रखना और बाहर से हम एक्सपोर्ट को ऐड करें मेरा फोकस इस पर नहीं है अगर हम चाहते हैं बट डेफिनेटली वी आर देयर टू सपोर्ट और हमारी कैंडिडेट्स हमारी पॉलिसी जो होता है रिसर्च में हम करेंगे डेफिनेटली कर सकते हैं लेकिन फिजिकल काम हम चाहेंगे कि यंग कंपनी वो करें फाइनेंशियली बड़ा अच्छा है बहुत ज़्यादा कुछ भी है सर लास्ट मैसेज को एशियन क्रिएटिविटी के हवाले से आप न्यू कमर्स को एज ए मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल के तौर पर आपको देना चाहें मैं बिल्कुल देना चाहूँगा पाकिस्तान बहुत एक्साइटिंग टाइम पे हमारा COVID-19 ने बहुत नई अपॉर्चुनिटीज की बहुत ओपन कर दिया ये वक्त है कि पाकिस्तान एंड वी ऑल कैन कंट्रीब्यूट इतनी अपॉर्चुनिटीज मेरे मुझे 40 साल में नहीं मिली जितनी मुझे अब मिल रहा मैं यूज करूँगा यार कह रहा हूँ डोंट टॉक अबाउट इश्यूज टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज दो तरीके से यूज आने एक है आप शिकायत करते रहे एक है कि आप लप गए और वक्त इश्यूज का नहीं है वक्त अपॉर्चुनिटी का और अपॉर्चुनिटी है I believe that this is the type of Pakistan to really prove it. Jim sir, बातें तो बहुत सारी हैं. मेरा ख्याल है कि शिष्य में आप इस जैसे personality के साथ वो complete ही हो सकती है हमारी मिशन. तो मैं चाहूँगा एक टाइम और लूँगा आपसे बहुत जल्दी तो हम मजीद इस पर बात करेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आप पापा से सभी तक इस वक्त मेरे साथ से उम्मीद है कि पाकिस्तान जो भी तरक्की करेगा और आपकी फील्ड में नहीं ना सिर्फ सब फील्ड इन शाह नाजरिंग ये थे श्री गौरी साहब हमारे साथ इजाज़त दीजिए इस सफर को जारी रखेंगे अगली दफा मिलेंगे एक नई पर्सनैलिटी के साथ पाकिस्तान के अलावा अच्छा तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है यार एक मशवरा तो दो हाँ कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो इसमें क्या खास बात है मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है सिर्फ दावा नहीं किया जाता अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है मॉडल स्टील मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ